हेलो दोस्तों, ये जो पे स्लिप है ये 2019 मतलब फर्स्ट पे जो 2018 का बेस था, ये दिसंबर, तो ये जनवरी में इनकी जॉइनिंग थी, तो इनकी जो फर्स्ट इन एंड सैलरी थी वो थी 38,385, 40,000 जो इनकी सैलरी बनी थी। इसके बाद आपको जो पूरी सैलरी होगी जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 की, सारी पे स्लिप में दिखाऊंगा आपको किस हिसाब से इंक्रीमेंट होता है, कितना होता है, आप इस वीडियो में हमारे साथ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इनको अभी लगे हुए 5 साल हो गए, तो इसके बाद 2 साल बाद कितनी होती है, 3 साल बाद कितनी होती है, 4 साल बाद जो भी है, 5 साल बाद कितनी होती है, सारी पे स्लिप मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके सर्च मार के देख सकते हैं या वहाँ चैनल से आप जाके देख सकते हैं कितनी होती है। और इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कोई होगा, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सैलरी स्लिप से ज़्यादा बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी है वो सारे मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होती है, पर ये जो मोटिवेशन है वो आपको मोटिवेट करेगा और SBI PO बनने के लिए आप मोटिवेट रहोगे। ये आप देख सकते हैं जो पहली स्लिप थी वह ये जनवरी 2019 की जो 40,000 बनी बेसिक पे, यहाँ 22,276 था। इसके बाद जो इन हैंड लेके गए वो 38,385 घर पे लेके चुके थे ये उस समय, ये PF कंट्रीब्यूशन हुआ है 2227 का, बाकी और इनके कोई डिडक्शन नहीं थे। फरवरी के अंदर जो है बेसिक पे बढ़ गया, 27,260 हो गए, तो टोटल 49 जो है 49,800 हो गई। इसके बाद जो 42,588 ये घर ले गए इन हैंड, पेंशन फंड भी कंट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो गया क्योंकि वो पहली सैलरी थी तो उसमें कुछ नहीं था, फिर आगे वाले में सब होने लग गया ये। इसके बाद ये मार्च 2019 की 27,260 और 49,877 बना टोटल पेमेंट, और ये 42,666 होम पे ले गए इन हैंड हो गया अब इनका पेमेंट। इसके बाद आप अगली स्लिप देखोगे ये मार्च की है, ये अप्रैल की, अप्रैल के अंदर जो है 27,620 बेसिक और 18,000 DA हो गया, 49,877 हो गया। DA हर साल वैसे बढ़ता तो अगले साल वैसे बढ़ जाएगा, तो ये इनका डिडक्शन हुआ 13,000 और ये घर पे ले गए 36,804, यानी इन एंड हो गई इनकी अप्रैल की 36,804 रुपये हो गए अप्रैल की इन एंड। इसके बाद जो मई की है, मई में अब इनका टैक्स डिडक्शन भी हुआ है, और ये जो इनका बेस पूरी बनी थी जो ग्रॉस 50,889 बनी थी, और ये बाकी डिडक्शंस हो गए 13,222 और 37,688 इन हैंड ले गए ये अपने हाथ में, इन हैंड बनी इनकी 37,668 रुपये। जून के अंदर इनकी 50,889 बनी है सेम वही, और इन हैंड भी सेम जून में 37,668 हुई, सेम डिडक्शन 13,222 जो टैक्स कटने लग गया था अब इनके। ये जुलाई के अंदर 50,809 सेम बनी है जुलाई में भी, पर अब इसका डिडक्शन जो है कम हुआ है इस बार, 12,207 हुए, इस बार टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ इनका, 38,683 हुआ जो ये घर ले गए इन हैंड जुलाई में। अब अगस्त में देख सकते हैं आप 51,960, क्यों DA बढ़ गया बेसिक पे हो गए वो, तो इनका जो अब जो है घर पे ले गए वो 39,656 ले गए, 39656 ले गए अगस्त का ये। सितंबर के अंदर 27,620 बेसिक, 20,000 डियरेंस और हाउस रेंट है, इसके अलावा 51,960 ग्रोस पे बनी इनकी, और इन हैंड बली 39656 यानी 39,656 बनी इन हैंड में। अक्टूबर की जो है 51,960 बनी और सेम वही रहेगी, अक्टूबर में भी सेम 39,656 टेक होम यानी इन हैंड सैलरी हो गई। नवंबर के अंदर थोड़ी बढ़ी है 53,032 रुपये, क्योंकि DA बढ़ गया यहाँ पे 21,000 हो गया, DA बढ़ता है हर साल, सरकार बढ़ाती है 2-3%, दो बार बढ़ता है साल में, 40,627 इन एंड हो गई इनकी नवंबर की। DA जो सरकार हर साल बढ़ाती है, साल में 2-3 बार बढ़ा देती है, कभी 2 बार कभी 3 बार भी, पर ये लगभग 2-3% इंक्रीमेंट होता ही होता है। इसके बाद दिसंबर में देख सकते हैं आप इनकी बहुत कम बनी है, क्योंकि जो अलाउ ये एरियर्स ऑफ अर्निंग है ये कुछ डिडक्ट हुआ है, तो ये 33,629 ही बनी, तो इनकी दिसंबर 2019 में तो केवल 19,869 रुपये मिले इनको, यानी बहुत कम है ये, बहुत ही ज़्यादा कम है ये। तो
इसके साथ ही आपको जो है एक साल बाद कितनी है, ये तो अभी उस साल की जिस साल इनकी ज्वाइनिंग थी 2019 में थी, अब 2020 के अंदर कितनी मिली इनको, 2021 में कितनी मिली, 2022 में कितनी मिली, 2023 में, 2024 में, जो भी 2023 तक की अभी है अपने पास, तो वो सारी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को नहीं लगता कोई होगा, बहुत ही अच्छा मोटिवेट होगा ये, तो आप देख सकते हैं। अब एक बार सैलरी स्लिप ज़रूर देखें SBI PO की, और ये जेन्युइन है एकदम सही, ऐसे नहीं है कुछ भी।